सर्दी का महीना ख़त्म होते हुए फागुन का शुक्ल पक्ष में हम पूजा पाठ करते हैं गाँव के सबके लिए अच्छा आने के लिए और गाँव के धन दौलत धन दान अच्छा आने एक साल के लिए इसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान जी का कंजूर तेंजूर ये पढ़ते हैं फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष एक से लेकर 15 तक हम गांव के देवता कासुराज जी और यहाँ मंदिर में लामा जमुआ साथ में हम पूजा करते हैं। फागुन महीना में शुक्ल पक्ष एक से 15 तारीख तक तथागत गौतम बुद्ध जी ने शराबस्ती में रिद्धि सिद्धि दिखाया था, इसलिए ये महीना बहुत मंगल है। इसी प्रकार कासुराज जी का आदेश से लामा जुमो यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, फिर गांव से जितना लामा जुमो लोग के उतना ही गांव का परिवार लोग के पूजा का प्रबंध करते हैं। 1 से 15 तारीख तक ये कंजूर और भी पूजा करते हैं यहाँ कांगसो वगैरह लगाते हैं। फिर हम वहाँ पूजा पाठ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है हम कसुराज जी से फिर दोबारा वहाँ जाके हम फिर कसुराज जी के साथ बातचीत और करके कसुराज जी को पूछते हैं। पूछ के फिर पूजा पूरा हो गया है तो फिर हम यहाँ लास्ट में टशी करते हैं। फिर कसुराज जी के द्वारा वहाँ से उनका कारदार भी आते हैं। फिर यहाँ हम लामा चौक के उसमें फिर सभी गांव लोग भी पहले तो यहाँ पूरा टशी घूमना वगैरह टशी करते थे। लांग बोलते हैं हमारा भाषा में मंदिर बुद्ध मंदिर बुद्ध मठ सारे एकजुट हो गए यहाँ पे आज पोथी का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे कि कांग्यूर तंग्यूर नाम के पोथियाँ जो ना आज जो ना शुभारंभ होना है कि जो इनको जो ना साल में एक बार पढ़ते हैं। उसके ऊपर जो ना गाँव को काम करना पड़ता है, जैसे कि बुद्ध मठ के भिक्षुक लोग होते हैं वो लोग जो ना पढ़ते हैं चीज़, तो जो ना हमारे को गाँव से एक भिक्षुक के साथ एक व्यक्ति गांव से देना पड़ता है कि उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारा एक अधीन और एक व्यक्ति को संभालेगा भिक्षु को। ये पूजा होता है इसमें गांव का खुशहाली बरकरार रहे और गांव के परिवार हर नागरिक खुशहाल और तंदुरुस्त रहे, इसलिए देवी देवताओं का पूजनों का मानना है कि जो ना इनसे सारा देवी देवता अपना प्रकोप रखते हैं करके कार्य चलता आ रहा है ना, उस चीज़ को हम अभी भी बरकरार रख रहे हैं। बुद्ध भिक्षु आपस में दिन दयारू बोलते हैं वो देख के जो ना मौसम गोलसंग देख के जो ना कार्य करते हैं। इसके ऊपर जैसा यहाँ खुलता तो जो ना साहब जी का स्वास्थ्य का कहने पे खुलता है, बाकी चीज़ें दिन का चलता रहता है। फिर इनका भिक्षु जी का जो ना इनका गोलसंग आते टाइम एक बड़ा जैसा पर्व द्वारा मनाया जाता है उसको टाशी बोलते हैं, उसको वो भी गोलसंग का सिस्टम होता है इसमें भी, उसके साथ ही जो ना टाशी मनाया जाता है। अगर जो ना पूरा गांव पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो जो ना टाशी मनाने के बाद उसको पोथियों को फिर दोबारा से रिटर्न में पढ़ाया जाता है।